नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नहाने जा रहे बच्चों पर चढ़ा डंपर, दो की मौत, दो की हालत गंभीर, दो बच्चे खतरे से बाहर। सारंगढ़ के बटाऊ पाली के पास हुई घटना। मिली जानकारी के मुताबिक तड़के सुबह करीब 6:30 बजे सराईपाली मार्ग की ओर से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने दो नन्हे बच्चों की जान ले ली। वहीं दो की हालत गंभीर होने के कारण रायगढ़ जिला अस्पताल रिफर किया गया है, जबकि अन्य दो बच्चे खतरे से बाहर बताई जा रही है। सरपंच रेखा चौहान ने बताया कि सुबह करीब 6 बजे सभी बच्चे नहाने जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार से आ रहे डंपर ने बच्चों को लापरवाही पूर्वक अपने चपेट में ले लिया, जिससे अस्पताल ले जाते वक्त एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं अन्य बच्चों को सारंगढ़ स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था, जहां एक और बच्चे ने दम तोड़ दिया, जबकि दो की हालत गंभीर थी। उन्हें सरकारी अस्पताल रायगढ़ रिफर किया गया। बचे दो बच्चे सही सलामत है। सरपंच रेखा चौहान ने बताया कि आक्रोशित ग्रामीणों ने इस घटना के बाद चक्का जाम किया है। दोषी को पकड़कर सख्त सजा दिलाने उनकी मांग है। वहीं मृत बच्चों के परिजनों को उचित मुआवजा राशि दी जाए। मोर नाम रेखा चौहान है, मैं गांव के मुखिया सरपंच। तो काय भी चले लेकर आते कर चक्का जाम करे है? आज सवेरे सवेरे हमारे गांव में लड़का मन नहाए बर जात रही हैं, तो एक डंफर वाला आकर के लड़का मन बेरहमी से कुचल दे है। आदिवासी गरीब लड़का मन अपन साइड में होकर नहाए बर जात रही, मन खाली रही से डंफर है, आंधी धुंधी चलात आईस और मल मसल दिस है। दो जन मन चले गए हैं, दो जन मन गंभीर स्थिति में हैं, दो जन मन कुछ ठीक ठाक हैं। कतका लड़का लगा गाड़ी? 6 लड़का रही हैं, तो एक जन हाँ बच गई से, 5 जन लगी से चोट, जेमा रोड ले नीचे उतार के, जेन में दो जन मन निधन हो गई से और दो जन मन गंभीर स्थिति में हैं। तो ये मतलब कितना टाइम हो गया आप लेकर बैठे थे? हमारे बैठे अभी 2 से 3 घंटा। तो अभी तक शासन प्रशासन से कोई नहीं आए? कोई नहीं आई नहीं अभी तक। पांच लड़की नहाने के लिए जा रही थी, एक्सीडेंट हो गया, डंप 6 लोग डंपर वाले ने बेरहमी से कुचल दिया। और अभी तक सुबह 7 बजे का घटना है ये, और अभी तक शासन प्रशासन आराम से चैन के नींद सो रही है। इसे आप लोगों की जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मांगे क्या है? मांगे ये हैं कि शासन प्रशासन आए तब कुछ बात करें। अब जाने वाले तो चल दिए, अब उनके घर वाले लोग बैठे हैं चक्का जाम में, तो शासन प्रशासन सूद तक नहीं ले रहा है।